मुरादाबाद केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद स्तर पर आयुष विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से जनता को अवगत कराने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनता को यूनानी एवं आयुर्वेदिक औषधि की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा पहले हीव अर्बत वेलफेयर सोसाइटी को औषधि वितरण के लिए नामित किया गया था, जिसमें आज अर्थव वेलफेयर सोसाइटी ने मुरादाबाद के पार्क मीटिंग हॉल में मीटिंग की गई, जिसमें मुख्य अतिथि सुशील कौशिक ने जनता को बताया कि यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जिससे जनता जागरूक नहीं है। जनता को जागरूक करने और औषधियों के वितरण के लिए हमारी सोसाइटी को केंद्र सरकार ने किया है, जिसको लेकर संस्था जनता में औषधि वितरण का कार्य कर रही है। कार्यक्रम का संचालन रिजवान अली जिला कोऑर्डिनेटर रामपुर ने किया। इस दौरान ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान रिजवान हुसैन सहीन सुशील कौशिक आदि मौजूद रहे। क्या मामला है ये? हमारी अथर वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ से है और इसमें हमारे करीब 43 प्रदेशों में ये काम चल रहा है और इसके द्वारा जो हम दवाई वितरित कर रहे हैं, जैसे डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, मस्तिष्क ज्वर है जैसी भयानक संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के हेतु जन जागरण एवं औषधि वितरण के लिए संस्था के कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण हमने यहाँ पर लिया है और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो है डॉक्टर JP सिंह जी हैं, पूर्व विधायक, और सुनील कौशिक जी मैं स्वयं खुद अति और विक्रांत धुंतल हमारे जिला अध्यक्ष हैं और जिला सम्मेलक श्री जवाहर हुसैन जी हैं और जिला सम्मेलक साइन बीवी मुरादाबाद जो यहाँ की कोऑर्डिनेटर। इसका मेन उद्देश्य क्या संस्था है? भाई मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो संक्रामक बीमारी घातक बीमारियाँ हैं उनसे कैसे बचत मिले, कैसे हमको मतलब ये जड़ से कैसे खत्म हो, जड़ से कैसे खत्म की जाए, ये हमारा आयुष विभाग से अथर्व वेल्थ सोसाइटी का काम है।